हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली वेयर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। नहाने के बाद अपने फेस को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ गुड वाइब्स के एलोवेरा फेस वॉश से। और ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये फॉर्मिंग फेस वॉश है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने बिना पानी के ही इसे अपने हाथ में ले लिया है। आपको पानी इसमें ऐड नहीं करना है, तो आपको बिना पानी के ही इसे लेना है। तो ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, तो इसमें पानी ऐड नहीं किया जाता। बिना पानी के इसको फेस पे अच्छे से 2 मिनट या 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश किया जाता है। और मेरे फेस की स्किन जो है वो ऑयली है और पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है समर में, तो और भी ज़्यादा रहती है। इसलिए मैंने एलोवेरा का चूज़ किया। अगर आप चाहो तो आप गुड वाइब्स में अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी आप कंपनी का ले सकते हो। तो मैंने यहाँ ये एलोवेरा का लिया है और मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मेरे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो गई है। और वन मंथ से पहले ही आप देखेंगे रिजल्ट कि आपके फेस पर जो एक्ने, रिंकल और पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिए और एक बार ज़रूर परचेज करके देखिए। तो इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मैं मसाज कर लूँगी बिना पानी के, और मसाज करने के बाद अपने नेक पर, फेस पर, उसके बाद मैं इसे वॉश करके आऊँगी। तो अब आप देखना कि मेरे फेस पर जो ग्लोइंग होगी, जो मेरा फेस इतना ज़्यादा साफ लगेगा। लाइट नहीं है इतना ज़्यादा, तो लाइट में आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं फेस वॉश कर लूँगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि मेरा फेस कितना ज़्यादा साफ लग रहा है। तो चलिए फेस वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख ही सकते हो मेरा फेस, तो मैंने यहाँ वॉश कर लिया है। तो अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा साफ हो गया है। और ये फेस वॉश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी फ्रेगरेंस तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसकी फ्रेगरेंस मुझे जितनी अच्छी लगती है। तो मैं दिन में 2 बार फेस वॉश करती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। और अगर आप मेरा नाइट के लिए भी आप रूटीन देखना चाहते हो कि मैं नाइट में क्या करती हूँ, कौन सी नाइट क्रीम लगाती हूँ, क्या रूटीन है मेरा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने अब लिप्स के लिए स्क्रब लिया है। मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रब करूँगी अपनी लिप्स पर। तो लिप्स पर जो है हमारे बहुत ज़्यादा ब्लैकेट्स वगैरह, डार्कनेस बहुत होती है, और डार्कनेस तो हर किसी के लिप्स पे होती है। जो हाउसवाइफ हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल है, उनके लिप्स पर काफ़ी ज़्यादा जो है डार्कनेस आ जाती है। धूप में निकलने से भी आ जाती है, हम कुछ खाते पीते हैं और साफ़ नहीं करते हैं अपने लिप्स को, तो उस वजह से भी डार्कनेस आ ही जाती है। जो मेल होता है, जो खाना पीना हम खाते हैं वो सब लगता है, तो उससे भी हम बहुत फ़र्क पड़ता है। जो चमक होती है वो चली जाती है। तो मैं अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ। तो अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने लास्ट में इस स्क्रब का वीडियो बनाया है और इसको मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर किया है, रिव्यू मैंने दिया है पूरा। तो आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए अपने होठों पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ, जैसे कि अब आप देख रहे हो। तो आपको ज़रूर ज़्यादा नहीं तो आपको 2 मिनट या 1 मिनट रोज़ अपने लिप्स पर एक बार मसाज कर लेनी चाहिए, स्क्रबिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग करना बहुत ज़रूरी है। लिप्स की जो चमक चली जाती है, जो जितनी हम एक्सपायरी जो लिपस्टिक होती है उसको लगाने से भी हमारी होठों की जो है चमक वो चली जाती है। तो अब मैं यहाँ वाइप्स लिए मैंने, तो यहाँ बेबी वाइप्स लिए मैंने, तो बेबी वाइप्स पे से भी मैं ये इसे जो है रिमूव कर रही हूँ। आपको धोना नहीं है अपने लिप्स को, आपने फेस वॉश कर लिया था तो आपको बस पोंछ लेना है। तो अब आप देख सकते हो जैसे कि मेरे लिप्स कितने साफ़ लग रहे हैं, कितने ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं और पहले से ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं। और मैं रोज़ डेली करती हूँ इससे, जिससे कि मेरे लिप्स बरकरार रहे और चमक ना जाए। लिपस्टिक नहीं भी लगाएंगे, लिप बाम नहीं भी लगाएंगे तब भी आपके लिप्स साफ़ ही लगेंगे। कभी ऐसा होता है कि हम अपने लिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी एक्सपायरी लिपस्टिक या फिर कुछ भी लगा लेते हैं, तो उससे भी हमारे लिप्स पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पड़ता है और उससे ब्लैकनेस आ जाती है। तो अपने फेस को मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी, और मैंने यह निविया की क्रीम ली है, तो इसे मैं अपने पूरे फेस पर थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी और लगा लूँगी। मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में मैं ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, थोड़ा सा ही लगाती हूँ बस। इसे मैं अपने पूरे फेस पर, नेक पर लगा लूँगी। तो आपको मसाज करते हुए लगाना है, तो मसाज तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो अपने अंडरलाइन के नीचे भी आपको लगा ही लेना अच्छे से। तो मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन लगा सकते हो, वैसे अवॉइड कर सकते हो। तो मैं घर पर रहती हूँ, तो मैं अपना डेली वेयर रूटीन यही करती हूँ। तो घर में तो जैसे कि धूप वगैरह निकलती नहीं है, तो अब छत पे मैं जाती नहीं, तो अपने रूम में रहती हूँ या फिर नीचे ग्राउंड में। तो इसलिए अब आप देखिए, तो मैंने यहाँ लगा लिया है मसाज करते हुए अच्छे से। आप जितनी मसाज दोगे अपने फेस पर उतना ही आप ग्लो देखोगे।
तो फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ। अब आप देख ही सकते हो मैं क्या लगाने जा रही हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ आईब्रो पेंसिल ली है। तो ये जो आईब्रो पेंसिल मैंने ली है ये कोई कंपनी की नहीं है, ये लोकल मैंने ली है, लोकल कंपनी की है। और सिर्फ मैं अपनी थोड़ा सा शेप देने के लिए अपनी आईब्रोज़ पर लगाती हूँ रोज़ डेली, ताकि थोड़ी शेप में रहे और थोड़ा अच्छा लगे, कोई देखे तो अच्छा लगे बस। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, तो इसे मैं अपनी शेप दे दूँगी। यहाँ वैसे मेरी थ्रेडिंग बन नहीं रखी है, तो अभी मैंने थ्रेडिंग करवा नहीं रखी है। जब मैं करवा लेती हूँ तो और भी ज़्यादा साफ़ सुथरी लगती है, और मेरे जो छोटे छोटे जो बाल जो निकले हैं वो नहीं नज़र आते हैं। और अगर मैं पूरा फेस अगर आपको अभी करके दिखाऊंगी, रूटीन करके दिखाऊंगी, तो आपको बिल्कुल देखने भी नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ थ्रेडिंग करवाई है कि नहीं करवाई है। तो देखिए यहाँ मेरा कंप्लीट है। अब इसके बाद मैं यहाँ टोनर लगाने जा रही हूँ। तो टोनर मैंने यहाँ गुड वाइब्स का लिया है, और ये रोज़ ग्लो टोनर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो इसकी फ्रेगनेंस है, तो अब आप इसकी फ्रेगनेंस जब देखोगे, यूज़ करोगे, तो आप खुद कहोगे कि वाओ कितनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। और एक बार लगाने के बाद आपके फेस को ये ठंडा रखता है, चमक पूरे दिन इसकी रहती है, जाती नहीं है, और पूरा टाइम 24 घंटे ग्लो करता है। और नाइट में जब आप फेस वॉश करते हो उसके बाद आप अपनी स्किन देखा करो, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी नज़र आती है। तो मैं इसको मसाज कर लूँगी अच्छे से अपने टोनर से, और इसको मैं नेक पे भी थोड़ा सा हल्का सा कर लूँगी। बस इसी से आपके फेस पर बहुत ज़्यादा चमक रहेगी पूरे दिन, आपको कुछ और लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ लिप बाम लगाने जा रही हूँ। तो आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हो, जो आपके पास वैसलीन है आप वो लगा सकते हो डेली वेयर के लिए। तो मैंने यहाँ लिप बाम लिया है, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है, मेरा बेस्ट है ये। और इसको मैं डेली लगाती हूँ अपने लिप्स पर। तो लिपस्टिक मैं नहीं लगाती हूँ, लिपस्टिक मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ, कहीं बाहर किसी शादी या फंक्शन में तभी लगाती हूँ, वरना मैं लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगाती। अगर मुझे जस्ट यहाँ का वहाँ भी कहीं जाना होता है तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं ये लिप बाम ही लगाती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से लिप बाम में बहुत से कलर है, ब्राउन कलर, रेड कलर, तो हर एक कलर की मेरे पास लिप बाम है, तो मैं लिप बाम ही लगाती हूँ। और अब मैं काजल लगाने जा रही हूँ। तो काजल मैं लाइट लगा लूँगी थोड़ा शो ऑफ के लिए, जिससे कि थोड़ी आइस और भी ज़्यादा अच्छी लगे। और इसको बस मैं पतला ही लगाऊंगी, ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ डेली वेयर के लिए मैं ये ज़रूर करती हूँ। मेरा ये 3-4 जो रूटीन है ये मैं डेली करती हूँ, इसे मैं कभी अवॉइड नहीं करती। और मैं थोड़ा अपनी आइस के ऊपर आइस एरिया में भी लगा लूँगी हल्का सा काजल। तो आप देखिए, अब आप बताइएगा कि आपको मेरा डेलीवर रूटीन कैसा लग रहा है। और जो इसके पीछे जो ये है, थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा अपनी आईब्रोस को कॉम कर लूँगी। आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा लुक कैसा लग रहा है, और मेरा डेलीवर लुक जो अगर पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को ज़रूर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा रोज़ का डेली वेयर मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैं डेली आगे करती हूँ, और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये है गुड वाइब्स का पीना कोलाडा लिप स्क्रब। तो अब आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कितने छोटे से बॉक्स में ये पैक होके आता है। और इसको करने के बाद अब आप देखोगे अपनी लिप्स पर कि कितनी अच्छी ग्लो आई है, ब्लैकहेड्स वगैरह आपकी लिप्स के सारे दूर हो जाएंगे, और आपकी लिप्स पर जो ड्राई पैचेस वगैरह है वो नहीं रहेंगे। और इसको सिर्फ आप 2 मिनट मसाज कीजिए, उसके बाद आप ग्लो देखिए जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। और ये आपको ज़्यादा नहीं तो 125 में आराम से मिल जाएगा, पर्पल से ऑनलाइन मिल जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है, इसमें कोई इसमें हार्म नहीं है, और इसमें कोको बटर और एसेंशियल ऑयल और पाइनएप्पल वगैरह ये सब इसमें ऐड है, इससे आपकी लिप्स को कोई हार्म नहीं होगा। इसमें कोई पैराबिन वगैरह नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और अब आप देख सकती हो कि इसकी पैकेजिंग, तो मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दे देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल सके। और ये है इसकी पूरी पैकेजिंग, तो ये छोटे से बॉक्स में आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ये बॉक्स है। और इसको मैं ओपन कर रही हूँ, तो
तो अब देखिए ये कुछ ऐसे है और इसमें ये है, तो आपको थोड़ा सा इसमें हल्का सा अपनी फिंगर को थोड़ा सा गीला करना है। गीला करने के बाद इसको आप लेकर अपने लिप्स पर अच्छे से मसाज कर सकते हो। और इतनी छोटी सी ये जो है डब्बी है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये आपका ज़्यादा नहीं तो 6 महीने आराम से चल जाएगा। 6 महीने आप मान के चलिए कंटिन्यूली करते हो तो 6 महीने कहीं नहीं जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा ही चल जाएगा। तो देखिए जैसे कि अगर आप चाहो खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, जा सकते हो ऑनलाइन ले सकते हो। तो चलिए बस मुझे इतना ही रिव्यू देना था।